सावित्री एक बात बताइए, आपने जब पार्टी को बीजेपी पार्टी को छोड़ा था तो आपने कहा था बहुत सारे राज हैं जिनको मैं वन बाय वन करके खोलूंगी, तो ऐसे कौन से राज हैं जो आप खोलना चाहती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो दलितों को और पिछड़ों को, आदिवासी समाज के लोगों को खासकर उनको गुमराह किया जा रहा है, उनके वोट का ध्रुवीकरण कराया जा रहा है, जाति जाति को बांट करके हमारे समाज के लोगों को वोट का हक छीनना चाहते हैं। इसलिए जो इनकी अंदर की पॉलिसी है, ये आरएसएस के कुछ लोग हमेशा षड्यंत्र रच करके दलितों को गुमराह करके, पिछड़ों को गुमराह करके, हिंदू मुस्लिम राइट करा करके हमारे समाज के लोगों को बांटना चाहते हैं और देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने भारतीय जनता पार्टी से मैं त्याग पत्र इसलिए दिया हूँ कि देश में ये आरएसएस और बीजेपी ये भारत की 85% बहुजन समाज के लोगों को का विकास ना करके उनको विनाश करने में लगी है। और अगर ये 2019 में ये दोबारा अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो जो बचा हुआ हमारा संविधान आरक्षण है इसको समाप्त करने की पूरी तैयारी कर रही है। इसको लेकर मैं पूरे भारत के बहुजनों को मैं जगाने का मैं काम करूँगी और 2019 में इनको रोकने का काम करूँगी जो भारत के संविधान आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। हम देश के बहुजन समाज के लोग मिलकर हम उन्हीं को समाप्त करेंगे, ना वो रहेंगे उस पद पर और ना ही हमारे संविधान आरक्षण पर हाथ लगाने की हिम्मत कर पाएंगे।